brought to you by Infinix. Infinix लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ Flipkart पर। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। पाकिस्तानी टीम के स्वागत में डांस, लोग भड़के, राजनीति भी शुरू। फेसबुक की ये तस्वीर बचपन याद दिला देगी। फिर नजर आया एक पीक बेंगलुरु मोमेंट और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात वायरल कहानी की। खाना खिलाने वाले का साथ मौत के बाद भी बंदर ने नहीं छोड़ा। वर्ल्ड कप चल रहा है, 11 अक्टूबर को इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था। मैच से ज्यादा लोग परेशान थे कोहली वर्सेज नवीन को लेकर। मैच से पहले ही ट्विटर पर लोगों ने मार्क टवल की उम्मीद लगा रखी थी। लोगों को IPL के वक्त की राइवलरी के पार्ट 2 को देखने का बड़ा इंतजार था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक फोटो ट्विटर पर डाली और लिखा, आम कब नहीं खाना चाहिए। इसके साथ कैप्शन भी चिपकाया, आज यानी 11 अक्टूबर जब भारत अफगानिस्तान का मैच हो रहा है। साथ ही फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने भी ट्विटर पर लिखा कि आज मैंगो आम है और चीकू खास। सिर्फ ब्रांड से नहीं, लोगों को भी एक लफड़ा देखने का इंतजार था। किसी ने ट्वीट करके लिखा था कि आखिर वो दिन आ ही गया, लोगों को कुछ इस तरह से कोहली वर्सेज नवीन का इंतजार है। लोगों ने दिमाग के घोड़े को ज़्यादा ही दौड़ा लिए थे और एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच डाला कि क्या हो अगर विराट कोहली और नवीन की लड़ाई हो और उस वक्त गौतम गंभीर कमेंट्री बॉक्स में हो। सच में हमारे देश में टैलेंट की कदर जरा भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन सोचने वाले को कहानियाँ लिखने वाला होना चाहिए। लोग कॉरपोरेट मजदूर बने घूम रहे हैं। खैर, मैच हुआ और इंडिया जीती भी और कोहली और नवीन के बीच सुलह भी हो गई। दोनों खिलाड़ी हंसे और आपस में एक दूसरे को गले लगाया। लफड़े का इंतजार करते हुए लोग तगड़ा डिसअपॉइंट हुए। होना भी था उनको, क्या ही हो सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लोगों को जो चाहिए था वो नहीं मिला तो फिर से ट्वीट्स, मीम और कमेंट्स आए। इंस्टाग्राम के एक यूजर ने कहा, भाई थोड़ा इमैच्योर बनो, ये सब क्या है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, हम लड़ाई देखने आए थे, ये क्या बदतमीजी है। किसी ने विराट के स्वभाव पर ही सवाल किया, ट्वीट आया कि विराट इतने नरम दिल क्यों हो गए हैं। तुरंत ही उनको जवाब भी मिल गया कि दुनिया को और अधिक दयालुता की ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है कि ये दूसरों को प्रभावित करेगा। एक और ट्वीट आया जिसका कैप्शन था कि मेरे साथ साथ उन लोगों के लिए जो मेरे विराट वर्सेज नवीन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। साथ में फोटो चिपकाई, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ट्विटर पर इन दिनों पाकिस्तान की टीम के स्वागत का वीडियो भी वायरल है। वीडियो में दिखता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल में डांस और फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में कैप्शन है कि अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 3 सैनिकों को मार डाला और अब तक हजारों सैनिकों नागरिकों को मार डाला है। हमेशा भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं और हम पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भव्य स्वागत कर रहे हैं, गरबा आरती और सब कुछ, वो भी गुजरात में। सीरियसली BCCI? एक और ट्वीट मिला जिसमें लिखा था कि क्या हम भारतीय इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या जय शाह के नेतृत्व में BCCI द्वारा अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये स्वागत किया जा रहा है। यह सब तब है जब हमारे सैनिक पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन ट्वीट्स को देखकर लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हुआ और राजनीति भी हुई। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तानी टीम का कैसा भी वेलकम जेस्चर हमारे बहादुर शहीदों और आतंक से पीड़ितों की मौत पर नाचने जैसा है, बेशर्म। किसी ने लिखा, BCCI सठिया गया है, इसे पुनर्गठन की जरूरत है। इन लोगों के सामने लड़कियों को नचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, खासकर इस टीम के सामने। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि प्लीज पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूर रखें, ये टीम ही वैसा ही स्वागत डिजर्व करती है जैसे बाकी टीम्स को मिला है ग्रो अप। लोगों के बाकी देशों के स्वागत के वीडियोज भी सामने आए, मतलब लोगों ने ले आए। अहमदाबाद के होटल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल की इस रील में न्यूजीलैंड की टीम का भी कुछ ऐसा ही स्वागत देखा जा सकता है। हालांकि यहां आए कमेंट्स में लोगों ने भारत के स्वागत और आतिथ्य के बारे में बात करते हुए तमाम अच्छी अच्छी बातें कहीं। किसी ने कहा कि मुझे यकीन है कि उन्हें किसी दूसरे देश में इस लेवल का गर्मजोशी से स्वागत नहीं मिलेगा। हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कुछ तथाकथित प्रथम विश्व देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। किसी ने कहा कि इनके देश में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा होटल में इनका स्वागत कर रहे हैं। जस्ट इंडिया अतिथि देवो भव थिंग्स। अतिथि देवो भव वाले कमेंट के पास ही एक और कमेंट दिखा जिसमें यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान का ऐसे स्वागत मत करना, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं। नॉस्टैल्जिया में गोते खाने का मन है, आ जाओ बॉस करा देंगे। हुआ ये कि मैं अपनी डेस्क में बैठे बैठे काम करने का नाटक कर रहा था। अब आदमी कब तक बस अपनी स्क्रीन को घूरे, इसलिए बिजी दिखने के लिए मैं पहुंच गया फेसबुक। वहां मुझे एक ऐसी फोटो दिखी जो मुझे सीधा बचपन में ले गई। तस्वीर थी बचपन में एकदम रटी हुई कविता की जिसका शीर्षक है, जिसने सूरज चांद बनाया। आंख बंद करके ये कविता याद है, एक सांस में पढ़ी जा सकती है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुणगाएं, उसे प्रेम से
शीशन झुकाएं, शीश अटक जाता है। खैर, फेसबुक की इस फोटो को 1 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। कमेंट में भी लोग इस तस्वीर को पोस्ट करने वालों को बचपन की यादें ताजा करने के लिए थैंक यू कहते हुए नजर आए। एक कमेंट मिला जिसमें यूजर ने कहा कि बचपन में ये सुंदर कविता पढ़ी थी जो आज भी याद है। अब चलते हैं स्टार्टअप के शहर बेंगलुरु। ट्विटर यूजर मनस्वी सक्सेना ने ट्वीट करके बताया कि उनके ऊबर के ऑटो ड्राइवर जस्पे के चीफ ग्रोथ ऑफिसर थे, जो नम्मा यात्री के लिए यूजर रिसर्च कर रहे थे। ये पीक बेंगलुरु नहीं है तो फिर क्या है? किसी ने इस पर लिखा कि सच में पीक बेंगलुरु मोमेंट है, ट्रैफिक में बैठे बैठे यूजर रिसर्च काफ़ी दिमाग लगाने वाला काम। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि ड्राइवर ने राइड कैंसिल नहीं की। वैसे ऐसा सब कुछ बेंगलुरु में ही क्यों होता है, इसका कुछ आइडिया हो तो हमको बताइएगा ज़रूर। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो आपको पूरा दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि एक डेड बॉडी साथ में है, लेकिन कहानी और दावे दिल छूने वाले हैं। लिखा मिलता है कि इंसान और जानवर की दोस्ती की अनोखी तस्वीर की ये बात है। कहा गया कि ये बंदर अमरोहा का है जो उसे खाना देने वाले की अर्थी पर लिपट कर रो रहा है। अमरोहा के थाना डिडौली जोया कस्बे का मामला बताया गया। वाकई नजर आता है कि एक बंदर एक देह का साथ नहीं छोड़ता, उदास नजर आता है और अंत तक शांति के साथ उनके साथ जाता है घाट तक। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कई पत्रकारों और मीडिया हाउस ने वीडियो को डाला। कहते मिले कि इससे बड़ी निस्वार्थ प्रेम की मिसाल क्या हो सकती है। किसी ने कहा, नफरती आदमों इन जानवरों से ही सीख लो संवेदना। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।